पंडित जी, ऐसे में अब समय हो गया राशि फल पर नजर डालने का। जी जी देखिए, ये बात सही है कि सभी लोग हमारे दर्शकों को रहता है कि राशि फल का इंतजार रहता है कि क्या करें और क्या ना करें। आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं सबसे प्रथम मेष राशि के जातकों के। मेष राशि के जातकों को आज विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को आज के दिन कहीं से अच्छा रिश्ता आ सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वह हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में सचेत रहें और किसी अवसर को हाथ से ना जाने दें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। समय हुआ है तो अपने जीवन साथी के ऊपर शक की भावना आपके मन में आ सकती है, ऐसे में उनसे खुल करके बात करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि वाले। नाराज रह सकती है, इसलिए उनके साथ बनाए रखें व्यवहार और कोई ऐसा काम ना करें जो उन्हें बुरा लगे। मन को तो ठीक, किराए के मकान होते हैं रहेगी, पड़ोस के लोगों के साथ भी आपके संबंध थोड़े से खराब रहे। और आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के छात्र छात्राओं के लिए आज के दिन अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और भविष्य को लेकर पहले से ज्यादा सजग होंगे और आगे क्या किया जाए और क्या नहीं करें इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। कन्या राशि के जातकों को आज बाजार में आपके नए दोस्त तो बनेंगे ही, लेकिन दोस्त बनने के कारण आप बेहतर भी कर पाएंगे। पैसे के लेन देन के समय थोड़ी सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के। यदि आप स्कूल में हैं तो आज के दिन आपका मन पढ़ाई के साथ अन्य रचनात्मक कार्यों में लगेगा। आप अपनी रुचि के अनुसार कार्य करेंगे और इसमें आपको अपने पिताजी का सहयोग बहुत प्राप्त होगा और आगे जाकर के लाभप्रद स्थिति बनती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के। वृश्चिक राशि के जातकों को बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने का तो आज आपका प्लान तय हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई अड़चन जरूर आएगी। आर्थिक क्षेत्र में लाभ में आप रहेंगे, कहीं से शुभ समाचार सुनने को आज आपको मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। यदि नौकरी आप करते हैं तो अपने पुराने सहकर्मियों से नई जॉब के ऑफर या सुझाव आपको मिल सकते हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। किसी कारणवश अभी भी जॉब में मन आपका कम लगे और वहां से मोह भंग भी आज हो रहे, बॉस भी आपके काम से खुश नजर नहीं रहे। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। मकर राशि के जातकों को कुछ बातों को लेकर पिताजी से आपकी आज कहा सुनी हो सकती है, लेकिन यदि आपने संयम से काम लिया तो स्थिति समझ जाएगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आज खड़ी हो सकती है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की।
यदि पुरानी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है तो उसे बेचने का विचार आज आप कर सकते हैं। पैसे को कहीं निवेश किया हुआ है तो वहां से हानि की संभावना होती है। घर के किसी काम से यात्रा पर जाने की भी आज संकेत दिखाई देते हैं। और अब आगे बढ़ते बात करते हैं मीन राशि वाले लोग। यदि किसी के साथ आपका प्रेम संबंध है और घर में कहीं कह नहीं पा रहे हैं तो आज के दिन ये बात कह दे, आपके हित में रहेगा। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए उत्तम दिन है और रिश्ता भी आज आपका कहीं पक्का हो सकता है। इस प्रकार से आज का ये है हमारा अपना राशिफल।